ये है चोर बाजार का कपड़ा मार्केट, जहाँ पर सेकेंड हैंड कपड़े आपको मिल जाते हैं। इधर जीन्स पैंट हो गया, कैफ्री हो गया, टी शर्ट हो गया, सब कुछ लोग ले जाकर ठेले पर रख कर बेचते हैं। 6,000 रुपये का भाई ये। ये कितने का है? चालू कंडीशन है? हाँ। आईपॉड कितने बट 500। इधर चांदी और पीतल की देवी देवताओं की मूर्ति और घर में सजावट का सामान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुंबई के ग्रांट रोड एरिया में और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं मुंबई का चोर मार्केट कहाँ पर लगता है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सब कुछ एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। अगर आप लोग मुंबई के ग्रांट रोड चोर मार्केट पर आना चाहते हैं तो आप लोग कैसे आ सकते हैं, आपको लोकल ट्रेन और बसेज कहाँ से मिलेंगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग कभी भी यहाँ पर आएंगे ना तो आपके बहुत ही पुरानी इमारतें और दुकानें वगैरह देखने को मिलेंगी और साथ में यहाँ पर फॉरेनर लोग भी आते हैं इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि भाई साहब काफ़ी बढ़िया तरीके से ना यहाँ पर बिल्डिंगें नई तरह से बनाई जा रही हैं और इतनी पुरानी बिल्डिंगें पहले से हैं कि पूछिए मत। और यहाँ पे सिनेमा हॉल भाई इस तरह से हैं, देखिए यहाँ पर एक मूवी लगी हुई है निषाद चित्रपट गृह, इधर भी लगी है शमशेरा, ये देखो 22 जुलाई उधर लगी है ठग साथ हिंदुस्तान, देखो ये है भाई। और ये सामने मस्जिद, और वो सामने नया मस्जिद बना है क्या? बहुत ही बड़ी मस्जिद है भाई। और आपको यहाँ पर कई तरह के होटल वगैरह भी मिलेंगे, बाहर से तो आपको देखने में उतना बेहतरीन नहीं लगेगा लेकिन अंदर उसकी फैसिलिटी ना काफ़ी तगड़ी रहती है भाई। इस पर लोग सामान रख के ले जाते हैं। खाने पीने का अलग सिस्टम है यार यहाँ का, बहुत ही मज़ा आता है। ये मस्जिद है एक जामिया कादरी अशरफिया, ये मस्जिद है भाई सामने, और उधर भी मस्जिद है देखो, और सामने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, अभी उसका काम चल रहा है। और इधर देखो क्या माहौल है यहाँ का, ये होटल भाई। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग मुंबई के ग्रांट रोड पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको ढेर सारी कपड़ों की दुकान देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी सस्ते और बेहतरीन कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को यहाँ का पूरा टूर कराने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे साथ अब्दुल भाई भी आए हुए हैं और बहुत सारे लोग लगातार एक डिमांड कर रहे थे कि आप ग्रांट रोड के चोर मार्केट का वीडियो दिखाइए, तो चोर मार्केट से लेके यहाँ स्टेशन का मार्केट वगैरह सब कुछ हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। सामने देख सकते हैं भाई, इधर भी कपड़े की दुकान और इधर भी आपको कपड़े की दुकान। यहाँ पे ये ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के नीचे इस तरह से लोग कपड़े की दुकान लगा कर रखे हुए हैं और सामने का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। और ये है यहाँ की गली और पीछे है ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर आपको एक से एक भाई साहब न्यू कलेक्शन का कपड़ा देखने को मिलेगा, वो लेडीज़ कपड़े हों या जेंट्स कपड़े हों या शूज हों या स्लीपर वगैरह हों, इस तरह से यहाँ पर कपड़ों की दुकान लगाई जाती है। देखो चलो आगे चलते हैं और उधर का भी वीडियो आपको शूट करके दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग मुंबई के ग्रांट रोड एरिया में एंट्री कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को मुंबई के ग्रांट रोड एरिया का भी पूरा नज़ारा दिखाएंगे। बहुत सारे लोग नाम तो सुने होंगे लेकिन यहाँ का इलाका कैसा होता होगा ये नहीं जानते होंगे, बहुत ही डेंजर इलाका है भाई। यहाँ पर कभी आने का तो संभल के आने का, हर एक चीज़ से नहीं सामान वामान की सुरक्षा, हाँ भाई, इसलिए सेफ्टी सबसे पहले, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं, शूट करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा मुंबई में कि मुंबई में आपको बहुत ही पुरानी बिल्डिंगें और काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंगें देखने को तो मिलती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मुंबई के हर एक इलाके में ऑटो नहीं चलता है। एक इलाका ऐसा होता है जहाँ पर सिर्फ टैक्सी चलती है और उस इलाके में ऑटो का जाना अलाउड नहीं होता है। देखिए ये एरिया जो है ना, यहाँ पर टैक्सी चलती हैं, या तो आप लोग जहाँ पे मुकेश अम्बानी का घर है अगर उधर जाएंगे अल्टमाउंट रोड की तरफ, उधर भी आपको ऑटो वगैरह नहीं मिलेगा, टैक्सी मिलेगी, और टैक्सी का जो थोड़ा सा भाड़ा होता है वो थोड़ा महंगा होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। अगर इस एरिया में एक ऑटो वाला आ जाए ना तो उसे फ़ाइन ले लेंगे पुलिस वाले, ना फाइन काट लेंगे भाई, बहुत तगड़ा वाला फ़ाइन लगेगा, इसलिए
इन सब चीजों का ध्यान देना होगा। अगर आपको मुंबई घूमना है लोकल ट्रेन से घूमो, नियर बाई स्टेशन आपको मरीन ड्राइव जाना है चर्च गेट उतर जाओ, बैंड्रा जाना है तो बैंड्रा उतर के बैंड स्टैंड जा सकते हो, जुहू चौपाटी जाना है तो आप लोग उतर जाओ वहां से 5 रुपया बराबर ट्रेवलिंग जो है ना 231 नंबर की बस मिलेगी, स्टेशन उतरने के बाद मुंबई घूम सकते हो आराम से, घूमने वाला चाहे तो। और अगर आप लोग मुंबई घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपके लिए एक हफ्ते बहुत है ना, बहुत बहुत एक हफ्ते एकदम आराम से घूमोगे। हाँ एक हफ्ते में तो अपना पूरा फर्स्ट क्लास मुंबई टूर कर सकते हो पूरा भाई, और ज्यादा पैसे भी नहीं खर्चे होंगे। अगर आप अगर लोकल से घूम रहे हैं यहाँ पे बसेस जो चलती है वो भी 5 रुपये से लेके 10 रुपये होती है भाई, वो भी एसी रहती है भाई, एसी बस की सस्ती रहती है, एसी बस का 6 रुपये भाड़ा, 6 रुपये भाड़ा और 10-15 मिनट दूर जाओ कोई दिक्कत नहीं, और नॉन एसी बस का 5 रुपये भाड़ा। सुनील भाई यहाँ का नजारा दिखाओ कितना प्यारा, ये देखो भाई ये कबूतर खाना है यहाँ का मुंबई में, आपको इस जगह ऐसे कबूतर खाने हर जगह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोग दाने वगैरह खरीद के कबूतरों को खिलाते हैं, इस तरह से देखिए हर जगह ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलो आगे चलते हैं, ये देखिए ये है ग्रांट रोड की सबसे पुरानी बिल्डिंग, आप देखेंगे तो आपको एकदम जर्जर सी नज़र आएगी, बाहर से भी देखिए जैसे लग रहा भाई साहब गिरने ही वाली है, कितनी पुरानी बिल्डिंग लेकिन अभी तक है और अभी तक इसमें लोग रहते भी हैं। हर एक खिड़की में आपको कपड़े वगैरह टंगे हुए दिखेंगे, इस तरह से लोग रहते हैं। देखिए वहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से बालकनी वगैरह यहाँ पर रहती है भाई, इस घर में देखो लोग रहते हैं, नीचे कुछ दुकानें भी हैं इसमें, और इस तरह से यहाँ पर लोग ज़िंदगी जीते हैं, इस तरह से बिल्डिंगों में रहते हैं। यह यहाँ का चौराहे का पूरा माहौल, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये सब दिखाई देंगे, यूसुफ मियाँ जी अग्लोरिया चौक यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। गाय जितना ही नहीं मुंबई में ना भाई साहब फॉरेनर भी आते हैं देखने के लिए, देखो इधर अफ्रीका से आए हुए हैं लोग भाई, ये दोनों जन को तो आप चेहरे से पहचानते ही होंगे। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, अभी हम लोग चोर मार्केट में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले देखिए इन दुकानों पे किस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियां पीतल की चांदी की मिलती हैं, इसे आप लोग घर में सजावट कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सजावट के सामान मिल रहे हैं। इधर भी दुकान है भाई साहब, और इन हर गलियों में ना चोर मार्केट लगाया जाता है, हर शुक्रवार को सुबह में चोर मार्केट लगता है, और यहाँ पर आपको राजा महाराजाओं के ज़माने के सामान मिल रहे हैं भाई। ये देखो जिसमें राजा महाराजा पहले फूल पौधे वगैरह लगाया करते थे, और ये सारी दुकानें इस तरह से हैं, यहाँ पर पुराने पुराने सामान मिलते हैं भाई, ये देखो सब पुराने वगैरह सामान रखे गए हैं जो राजा महाराजाओं के ज़माने में उनके महल में हुआ करती थी। इधर देखो लाइटें वगैरह, ये शीशे के जार और किस तरह से रखे गए हैं, ये पूरा एरिया ना शुक्रवार को भरा रहता है भाई, चोर मार्केट लगता है ना शुक्रवार को। इधर देखो ये पुरानी पुरानी चीज़ें, इधर देख रहे हो सारी पुरानी चीज़ें हैं भाई, ये किस तरह से यहाँ पर रखी गई हैं, इसे लोग खरीदने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। इधर देखिए ये चोर मार्केट का कपड़ा मार्केट है, जहाँ पर आपको सेकेंड हैंड कपड़े मिल जाते हैं, और किस तरह से लोग यहाँ पर ख़रीद कर ले जाते हैं, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, जींस पैंट हो, ट्राउज़र हो, लोवर हो, कैफ्री हो, या टी शर्ट हो, या लड़कियों के कपड़े हो, सब कुछ मिलता है भाई। आप देखते होंगे मुंबई के स्टेशनों पर लोग ठेले पर कपड़ा लगा कर बेचते हैं ना, वो लोग भी चोर मार्केट से इसी तरह खरीद खरीद कर ले जाते हैं, अच्छा अच्छा इसमें से बीच कर। और देखिए जैसे हमारे आगे भैया जी रखे हैं ना कंधे पर, ऐसे लोग खरीद कर ले जाते हैं जो पसंद आता है, और उसके बाद लोग यहाँ से खरीद कर ले जाकर स्टेशन पर शाम को ठेले पर कपड़े की दुकान लगाते हैं और बेचते हैं। ये पूरा कपड़े का मार्केट है, ये चोर मार्केट का ही नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ इसी तरह से दुकानें लगती हैं, अगर आप लोग हर शुक्रवार को आते हैं ना तो ये नज़ारा देखने को मिलेगा। फिलहाल रोज़ाना सुबह को लगता है ऐसा, लेकिन जो शुक्रवार को लगता है ना भाई वो एकदम अलग लेवल का मार्केट होता है, इस तरह से बहुत ही तगड़ी दुकान यहाँ पर लगती है, और आपको हर चीज़ उस दिन यहाँ पर मिलेगा। अच्छा 700 रुपये हाँ चार्ज करना पड़ेगा उसका 700 रुपये का भाई। हाँ वो चालू है लेकिन चार्जिंग नहीं है, आवाज़ आएगी बिल्कुल उसमें दम बटन। भैया ये गुलाबी का ये फूल वाला भैया ये फ्रॉक है ले लो ले लो ले लो ओपन कर भाई चार साइड का चार ऑन कर ये चार साइड का चार होल वाला लेके लो6000 रुपये का भाई। इधर भाई प्रेस वगैरह कुकर वगैरह रखा हुआ है,
और इसकी प्राइस भी 200-300 है। अगर आप इलेक्ट्रिक सामान यहाँ से लेते हैं ना तो आप देख के अच्छे से लीजिएगा, और मैं तो कहूँगा इलेक्ट्रिक सामान यहाँ से ना लें, वही बेटर रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान यहाँ पर अच्छा नहीं मिलता है। तो जितना ही फ़ोन वगैरह लेने से यहाँ पर बचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। 500 का तो मार्केट में नया 750-800 ये महंगा वाला है ना थोड़ा। देखिए कितना सामान है यहाँ पे इलेक्ट्रिक का, 4500। ये कितने का? काम कंडीशन है? हाँ। आईपॉड कितने का? बट 500। तो आपको एक चीज़ ध्यान से दिखा दें, आपको यहाँ पर इस तरह की दुकानें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये जो ब्लू कलर की है ना, ये पुराने ज़माने की दुकान है, यहाँ पर थूकना मना है। जैसे टेलर हो गए, पान की दुकानें हो गई, पीसीओ हो गया, या तो 1990 का सब, हाँ मतलब एकदम पुरानी पुरानी मुंबई किया जाएगा, विंटेज हाउस भाई देखो। और इधर भी उस तरह की दुकानें मिलेंगी, सामने देखो, ये देख रहे हैं येलो येलो कलर, ये सब ब्लू, इधर देख रहे हो सब ब्लू कलर की दुकानें, ये इस तरह की आपको दुकानें यहाँ पर देखने को मिलेंगी भाई चारों तरफ। तो ये है यहाँ का शानदार सा व्यू, और ये देखो इस तरह की बिल्डिंगें होती हैं भाई, काफ़ी ख़तरनाक लगती हैं देखने में, ग्रीले वगैरह लगी रहती हैं बाहर बालकनी में, ताकि कोई भी छोटा बच्चा हो या घर के कोई भी सदस्य हो वहाँ से कोई दुर्घटना वगैरह ना हो, इसके लिए सेफ्टी के लिए सब लगाया जाए। BMW भाई, BMW यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, लैंड रोवर, या तो मतलब फरारी, ये सब आम बात है भाई, हर एक इलाके में देखने को मिलेगी। अगर यही चीज़ें गाँव में देखने को मिले, अरे भाई फलानवा घरे तो BMW आया है। तो भाई ये मुंबई है यार, मुंबई सपनों का शहर है। अगर आप जा देंगे सच्चे मन से ना, तो आप भी BMW खड़ी कर सकते हैं। बिहार का जलवा चल रहा है भाई, इधर देखो सन ऑफ बिहार, इधर देखो खेसारी लाल का जलवा चल रहा है भाई, इधर उनकी मूवी लगी है, ये थिएटर है लाडचा गणपति चौक, ये यहाँ पर मूवी वगैरह लगी है, सुपर प्लाजा सिनेमा, सुपर चित्रपट गृह, ये है देखो खेसारी लाल की मूवी लगी है। मुंबई में भी भाई खेसारी लाल का जलवा है, हैं अब्दुल तो फिर भाई ये है भाई यहाँ, ये देखो ये एसी बस है भाई, जिसमें 6 रुपए में आप ट्रेवल कर सकते हैं आराम से, आपको गर्मी वगैरह कुछ नहीं होगा भाई। ये देख रहे हो कितनी पुरानी गाड़ी, ये देखो ये भाई शानदार सी गाड़ी, क्या बढ़िया है यार, इसका माइलेज वगैरह प्राइस वगैरह काफी तगड़ा होगा। गाइज अभी हम लोग मुंबई के, ये कौन सा इलाका है, जे सिग्नल पे पहुँचे हैं फ्लोर मार्केट के आगे, और अभी हम लोग खा रहे हैं कबाब पाव, अब्दुल भाई और मैं भाई, आओ तो वड़ा पाव मत खाओ, कबाब पाव भाई बहुत बहुत टेस्टी है यार कबाब पाव, भैया की दुकान ये भी यूपी से ही है भाई, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और पता हम लोग कहाँ पर बैठ के खा रहे हैं भाई, दाऊद इब्राहिम के घर के सामने, वो देखो इधर देखो, उसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। पहले हम लोग खाते हैं, और यहाँ का एरिया देखिए बहुत पुरानी पुरानी आपको बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी, ये मस्जिद है भाई साहब, और इधर भी एक मस्जिद देखो, किस तरह से यहाँ पे बिल्डिंगें वगैरह बनी हुई हैं। तो भाई इधर कबाब पाव चल रहा है, खा के निकलते हैं भाई।